दोस्तों नमस्कार। शिवसेना नेता संजय राउत ने 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच में मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाकर एक बार फिर से घिरने की कोशिश की है। राउत के इन दावों में कितनी सच्चाई है इसका तो पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें गैर भाजपाई दलों की इसके पीछे भाजपा वोटर्स को गुमराह करने की साजिश की बू जरूर आ रही है। गोवा में कांग्रेस ने अपने नेताओं के फोन टेप करने के लिए बीजेपी पर एक निजी एजेंसी के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। इसे लेकर के शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि इस देश में जो विपक्ष के नेता हैं और खास करके जहां जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां के बहुत से नेताओं के फोन टेप किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सच है कि महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ था जो ऑन रिकॉर्ड है। गोवा में यही महाराष्ट्र पैटर्न चल रहा है। ये संयोग की बात है कि उस समय जो महाराष्ट्र के नेता थे वो गोवा के प्रभारी हैं। फोन टेपिंग शायद उत्तर प्रदेश में भी चल रहा होगा, मुझे अखिलेश यादव की भी चिंता है, ये संजय राउत ने कहा। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में फोन टेपिंग की पुनरावृत्ति गोवा में हो रही है। कल मेरा और एकनाथ खड़से का लगातार 2 महीने तक फोन टेप किए जाने से जुड़ा केस मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव नतीजे आने के बाद जब महाविकास आघाड़ी सरकार की बनने की प्रक्रिया शुरू थी तब हमारे फोन टेप किए जा रहे थे। 2 दिन पहले मुझसे गोवा कांग्रेस के नेता दिगंबर कामत मिले, उन्होंने फोन टेप किए जाने का शक जताया। सुनील ढवलीकर, विजय सरदेसाई, दिगंबर कामत, गिरीश चाड़ाकर के फोन टेप किए जा रहे हैं, ऐसा संजय राउत ने दावा किया। गोवा में फोन टेपिंग का महाराष्ट्र पैटर्न शुरू हो चुका है। गोवा में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पूर्व बंदरगाह मंत्री माइकल लोबो और विपक्ष के नेता दिगंबर कामत के फोन टेप किए गए हैं। यानी कि दोस्तों शिवसेना के साथ साथ दूसरे तमाम विपक्षी दल भाजपा पर फोन टेपिंग के आरोप लगा रहे हैं। गोवा कांग्रेस अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि हमने इस बात की पुष्टि की है कि हमारी पार्टी के नेताओं के फोन बीजेपी नेताओं की ओर से एक निजी एजेंसी द्वारा टेप किए जा रहे हैं। वे जानते हैं कि हम क्या बोलते हैं, वे जानते हैं कि हमारे नेता किससे बात कर रहे हैं। यानी कि संजय राउत ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। राज्यों में चल रहे जो विधानसभा चुनाव हैं उनके तहत कहीं ना कहीं ये वोटर्स को गुमराह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में जो है ये जो है हथकंडा अपनाया जा रहा है। इस पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल कर सामने नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है कि जो संजय राउत की तरफ से दावा किया गया है, मोदी सरकार पर जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं फोन टेपिंग को लेकर के, उस पर भाजपा माकूल जवाब जरूर देगी। बहरहाल जो संजय राउत ने दोस्तों ओछा आरोप लगाया है दरअसल मोदी सरकार पर फोन टेपिंग को लेकर के, इस पर आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लेकर आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।